चित्रकारी का एक अद्भुत नमूना है। ग्रानाडा में स्थित अल्हम्ब्रा एक प्राचीन किले की नींव पर 13वीं सदी में बनाया गया था। अल्हम्ब्रा अरबी मूल के शब्द पर आधारित है, जिसका शब्दार्थ लाल किला निकलता है। छावनी के रूप में बसाया गया अल्हम्ब्रा 13वीं सदी में ग्रानाडा के राजाओं का निवास स्थान बन गया। 13वीं सदी में नासरिद राज्य की स्थापना हुई तथा राजा मोहम्मद इब्न यूसुफ बन नासर ने इस स्थान पर पहला महल बनवाया। यही राजा अल हमर के नाम से भी प्रसिद्ध था। मुख्य प्रांगण के चारों तरफ चार बड़े कमरे जुड़े हुए हैं। इस प्रांगण के बीच दो फवारे गर्मियों में ठंडक पहुंचाते हैं। एक तरफ दीवारों की रंगीन पच्चीकारी अपनी तरफ खींचती है तो दूसरी तरफ छज्जों तथा खिड़कियों के तेजदार सजीली नक्काशी। अल्हम्ब्रा का महल तीन भागों में बटा हुआ है, राजकीय बैठक, शयनागार तथा शेरों का चौबारा। ला साला दे लास हरमानास यानी दो बहनों का कक्ष। इस कमरे की भीतरी छत की शोभा देखते ही बनती है। उत्कृष्ट कलाकारी के साथ इब्न जमराक के छंद, सुनहरी परतें तथा लैपिस लजूली से जड़ी नक्काशी हमें 13वीं सदी में पहुंचाने का प्रयास करती है। पाटियो दे लॉस लियोनेस अथवा शेरों के दरबार में शेर अपनी पीठों पर फवारा उठाए हैं। अल्हम्ब्रा में पानी भी मुख्य भूमिका निभाता है, ये सजावट तथा उपयोग दोनों का काम देता है। हेनरालीफे के बाग 14वीं सदी में स्थापित किए गए थे और आज भी अपना मौलिक रूप धारण किए हुए हैं। अल्हम्ब्रा के एक अंग में बसी अद्भुत फुलवारी अनगिनत कवियों तथा लेखकों की प्रेरणा आज भी बनी हुई है। अल्हम्ब्रा की शोभा तथा अनूठापन शब्दों तथा तस्वीरों के दायरे से बाहर है। इस महल का जादू ग्रानाडा जाकर ही समझा जा सकता है।